इंट्रोड्यूसिंग ऑनर 9X। दोस्तों कल यानी कि 23 जुलाई को ऑनर 9X लॉन्च होने वाला है चाइना में, और चाइना में लॉन्च होने के बाद ये फ़ोन बहुत ही जल्द लॉन्च होगा इंडिया में भी। दोस्तों इस फ़ोन के लॉन्च होने से पहले इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुके हैं। तो ये फ़ोन एक बजट कैटेगरी का फ़ोन होने वाला है और इसमें आपको काफ़ी अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑनर 9X के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट साइड में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, साथ में आपको बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिलेगी। बैक साइड में आपको ग्लास का बैक देखने को मिलेगा विद ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा और आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को इस फ़ोन में मिलेगा। अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो फ्रंट साइड में आपको 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल। एस्पेक्ट रेशियो आपको मिलेगा 19.5:9 का। पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 391 पिक्सल पर इंच की, और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा की। तो फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर के साथ, दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, और तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, जो कि इस फ़ोन की मेन हाईलाइट है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ही सिलिकॉन किरिन 810 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आपको फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेगी। आप पबजी जैसे और एस्पर 9 जैसे गेम आराम से खेल पाएंगे हाई सेटिंग्स पर, कोई भी आपको लैग हैंगिंग प्रॉब्लम या फिर इशू देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा पावरफुल GPU जो कि है माली G52MP6, जिससे कि आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी की। तो यहाँ पर आपको मिलेगी 4000 mAh की बैटरी, जो कि 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। टाइप सी का सपोर्ट आपको फ़ोन में देखने को मिलेगा, और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको फ़ोन में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम विद मैजिक UI 2.0। अब बात करते हैं फ़ोन के वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला वेरिएंट है 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला, दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला। पहला जो वेरिएंट है 6GB 64GB, उसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 17,000 से 18,000 रुपये के आसपास, और दूसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB, उसकी प्राइस आपको 21,000 से 22,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल फ़ोन लॉन्च होने वाला है चाइना में। तो चाइना में लॉन्च होने के बाद लगभग ये 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा, और मुझे जैसे ही इस फ़ोन के बारे में कुछ और अपडेट मिलेगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।